गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आज हम संस्कृत में दशमः पाठ पढ़ेंगे। पाठ का अनुवाद ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्ता वीर बालका। दशम पाठ है, दसवां पाठ, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वीर बालक। हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को वीरता पूर्वक कार्य करने वाले, साहस के कार्य करने वाले बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उन्हीं पर आधारित यह अध्याय है। अनुवाद मैं प्रारंभ करती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रतिवर्ष भारतीय बाल कल्याण परिषद षड वर्षात अष्टादश वर्ष पर्यंतम बालकेभ्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इति प्रयच्छति। हर साल प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा बालकों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। अयम पुरस्कारः तेषां वीरता प्रदर्शनाय, अदम्य साहसाय, संयमाय, त्वरित बुद्धये चतेभ्य दीयते, ये स्वबुद्धि कौशलेन साहसेन च अनेकानां जनानां प्राणां अरक्षन। यह पुरस्कार उनके वीरता के प्रदर्शन के लिए, अदम्य साहस के लिए, संयम के लिए और त्वरित बुद्धि का प्रयोग स्वबुद्धि कौशल के द्वारा और साहस के द्वारा अनेक लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य प्रारंभ अक्टूबर मासे 1957 तमे वर्षे अभवत। इस पुरस्कार का प्रारंभ अक्टूबर महीने में 1957 वर्ष में हुआ। यदा गांधी जयंती समारोहे दिल्ली नगरे रामलीला मैदान इति स्थाने एकः कार्यक्रमः चलति स्म, अनेके दर्शका रामलीला कार्यक्रमं द्रष्टुं तत्र उपस्थिता आसन। जब गांधी जयंती समारोह दिल्ली नगर में रामलीला नाम के मैदान पर एक कार्यक्रम चल रहा था, तो अनेक दर्शक रामलीला कार्यक्रम को देखने के लिए वहां उपस्थित थे। सहसा तत्र प्रचंडाग्निः प्रसरणेन तत्र उपस्थिताः जनाः भयभीताः अभवन्। तभी वहां बहुत भीषण अग्नि के फैलने से वहां जो लोग उपस्थित थे वो डर गए। बहिः गन्तु कोऽपि मार्गः न आसीत्, बाहर जाने का कोई भी मार्ग नहीं था। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अप्यासित। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तदेव चतुर्दश वर्षीय एकः बालकः हरिश्चंद्रः स्वत्वरित बुद्धया जनेभ्य बहिः गन्तुं मार्गम अरचयत्, अग्निम शमनाय च प्रयासम अकरोत्। तब वहां पर एक 14 वर्षीय एक बालक हरिश्चंद्र ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से लोगों को बाहर निकालने का मार्ग बनाया और आग को बुझाने का प्रयास किया। तस्य प्रयासेन अनेकान जनानाम प्राणानाम रक्षा अभवत्। उसके प्रयास से, उसकी कोशिश से अनेक लोगों की प्राणों की रक्षा हुई। बालकस्य हरिश्चंद्रस्य वीरतया जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रभावितः जातः। बालक हरिश्चंद्र की वीरता से जवाहरलाल नेहरू बहुत अधिक प्रभावित हुए। तेन तदेव वीर बालके राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इत्यस्य घोषणां कृता। और तभी उन्होंने वीर बालकों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा की। ततः प्रभृतिः वीर बालकेभ्य प्रतिवर्षम् अयम् पुरस्कार दीयते। उसी समय से वीर बालकों को यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। अयमेव बालकः स्ववीरताय प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्नोत। और जो बालक
स्वयं वीरता में प्रथम आते हैं उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष वीर बालिका भाई बालकेभ्य च अयम पुरस्कार दीयते। हर वर्ष वीर बालकों और बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य जेतारः अन्येभ्य बालकेभ्य श्रेष्ठतराः वीरतराः च सन्ति। इस पुरस्कार में जितने भी बालक होते हैं वे बहुत अन्य बालकों से श्रेष्ठ और वीर होते हैं। तेषां जीवनं सदैव उच्चतमं भवति। ये स्वप्राणानां मोह परित्यज्य अन्यान् रक्षन्ति। उनका जीवन सदैव सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और वे अपने प्राणों का मोह त्याग कर अन्य की रक्षा करते हैं। ईदृशाः बालकाः अन्येभ्यः बालकेभ्यः प्रेरकाः भवति। इसी प्रकार इन प्रकार के बालकों से अन्य बालक भी प्रेरित होते हैं। केचित् बालकानां विषये अद्य जानीम। कुछ इसी प्रकार के बालकों के विषय में आज जानते हैं। सप्तवर्षीय डूंगर सिंह स्व दिव्यांग भ्रांतु प्राणन अरक्षत। 7 साल के डूंगर सिंह ने स्वयं वह दिव्यज्ञान अपने जो दिव्यांग यानि जो पोलियोग्रस्त भाई था उसके प्राणों की रक्षा की। राजस्थान प्रदेश से निवासी अयम बालक तदानीं चतुर्थ कक्षाया छात्र आसीत। राजस्थान प्रदेश का निवासी यह बालक 4th कक्षा का छात्र था। सहसा गृह अग्नि प्रसरित। अचानक घर में आग लग गई। तदा गृह सह बालकस्य तस्य दिव्यांग भ्राता चेवास्तम। तब घर में वह बालक और उसका जो अपाहिज भाई था दोनों थे। अनुज स्वपिति स्म छोटा भाई था। स्वबुद्धि कौशलेन साहसं च सह अनुज स्वकंधे निधाय गृहात बहिः आनयत तस्य प्राणान् च रक्षत। उसने अपनी बुद्धि के कौशल से और साहस से अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर बिठाया और घर से बाहर ले आया और उसके प्राणों की रक्षा की। उत्तराखंड प्रांतस्य 14th वर्षीय सुमितः स्वाग्रजं वाघ्यरस्य प्रहारात् अरक्षत। उत्तराखंड के एक प्रांत में 14 वर्षीय सुमित पर व्याघ्र ने सिंह ने प्रहार कर दिया। एकदा यदा सह स्वभात्रः सह क्षेत्रं गच्छति स्म मार्गे सहसा एकस्य व्याघ्रस्य आक्रमणेन तयोः जीवनं संकटे आसीत। एक बार वह अपने भाई के साथ खेत की ओर जा रहा था तभी मार्ग में अचानक एक सिंह ने आक्रमण कर दिया तो उनका जीवन संकट में आ गया था। संकटेष्वपि यः साहसं न त्यजति सः एव वीरः कथ्यते। संकट के समय में भी जो साहस नहीं छोड़ते हैं त्यागते हैं वही वीर कहलाते हैं। सुमितः संकटः दृश्यवापि साहसेन व्याघ्रं पुच्छं गृहीत्वा दरांति इति कश्रु पकरणेन प्रहारम अकरोत्। सुमित ने संकट देखा और साहस के साथ सिंह की पूछ को पकड़ा दरांति ली और उस पर प्रहार कर दिया। प्रहार वेदनया पीड़ितः व्याघ्र पलायत। चोट से पीड़ित होकर सिंह भाग गया। एवं सह साहसेन कुशाग्र बुद्धिया च भ्रातुः प्राणरक्षणाम् अकरोत्। और उसने साहस और अपनी तीव्र बुद्धि से अपने भाई के प्राणों की रक्षा की। कशिशः स्वः 1 वर्षीया भगिन्या सह उद्याने क्रीडति स्म। कशिश अपनी 1 साल की बहन के साथ बगीचे में खेल रही थी। तदेव सह जर्मन शेफर्ड कुक्कर भगिन्या उपरी आक्रमण अकरोत। तभी एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता आकर उसकी बहन के ऊपर आक्रमण करता है। सह कुकुरस्य मुखम बलेन ग्रहित्वा तस्मात् स्वभगिनीं रक्षित्वा उच्चैः कोलाहलम अकरोत्। वह कुत्ते के मुंह में बलपूर्वक उसके मुंह को मुंह पर प्रहार करती है और अपनी बहन की रक्षा करती है और तेज स्वर में शोर करती है। तस्य ध्वनिं श्रुत्वा जनाः तत्र आगच्छनम् एवं सह स्वभगिनीम् अरक्षत। उसकी आवाज़ को सुनकर लोग वहां आते हैं और उसकी बहन की
रक्षा करते हैं। 2015 तमे वर्षे शिवांशस्य पंचमित्राणि सरयू नद्यां स्नानं कुर्वन्ति स्म। 2015 वर्ष में शिवांश के पांच मित्र, शिवांश और उसके पांच मित्र सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तेषु एकम मित्रम कदा नद्या मुख्यधारायाम आगच्छत इति सहन आवगच्छत। उनका एक मित्र कब नदी की मुख्यधारा में आ गया और वापस नहीं आ पाया। तस्य प्राणान संकटे विक्ष तम रक्षितुम शिवांशः नद्याम अकुर्दत। उसके प्राण को संकट में देखकर उसकी रक्षा के लिए शिवांश नदी में कूद जाता है। परम दुर्भाग्येन सह मित्रेण सह नद्याम एव प्रावहत। किंतु दुर्भाग्य से वह अपने मित्रों के साथ नदी में बह जाता है। तस्य मातुः स्वपुत्रस्य साहसं मित्र प्राण रक्षां भावनां स्मृता गौरवम अनुभवती। उसकी माता अपने पुत्र के साहस और मित्र की प्राणों की रक्षा की भावना को याद करके गौरव अनुभव करती है। ईदृशाः अन्येपि अनेके बालकाः बालिकाः च सन्ति ये अद्भुततम साहसं प्रदर्शयन् अन्येषां प्राणान् रक्षन्ति। इसी प्रकार के अन्य अनेक बालक बालिका हैं जिन्होंने अपने अद्भुत साहस का प्रदर्शन कर अन्य लोगों के प्राणों की रक्षा की है। वस्तुतः एतेव बालकाः राष्ट्रगौरवं भवन्ति। निस्संदेह इस तरह के जो बालक बालिकाएं हैं वो राष्ट्र का गौरव होते हैं। वीरजननीनां वीरपुत्रेभ्य पुत्रेभ्य च नमः। ऐसे वीर जो पुत्र और पुत्री हैं पुत्रियाँ हैं उन्हें हम नमन करते हैं। इस लेसन का अनुवाद हमने सुना, अनुवाद को आप ध्यान से सुने। इसके शब्दार्थ आपको लर्न करना है। शब्दार्थ इस प्रकार है, प्रतिवर्ष हर वर्ष दियते दिया जाता है, प्रसरणिन फैलने से, शमनाय शांत करने बुझाने के लिए, स्वस्कंधे अपने कंधे पर, गृहीत्वा पकड़कर, पलायित भाग गया, कुशाग्र बुद्धया तीव्र बुद्धि से, स्मृत्वा याद करके, वीर जननी नाम वीर माताओं के, वीरपुत्रेभ्य वीरपुत्रों के लिए, वीरपुत्रिभ्य वीर बेटियों के लिए नमः नमस्कार। उचित विकल्प चुनिए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से प्रारंभ कदा अभवत? 1957 तमे वर्षे गांधी जयंती समारोह कह उपस्थित आसित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम कह अयम पुरस्कार प्राप्नोत? हरिश्चंद्र। सुमित स्वभारतम कस्मात् अरक्षत? व्याघ्रात। शिवांशः कस्या नद्या कुर्दत? सरयू नद्याम। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये अनुवाद आप ध्यान से देखेंगे।